अनबॉक्सिंग वीडियोस के बाद बारी आती है कंपैरिजन वीडियोस की कंपैरिजन वीडियोस जैसे कि नाम से ही साफ ज़ाहिर है इसमें आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं और उनमें से बताते हैं कि बेस्ट कौन से वाली है अगर हम मोबाइल्स की बात करें तो आप दो मोबाइल्स को कंपेयर करेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स नॉर्मली जब सैमसंग का नया मोबाइल लॉन्च होता है या iPhone का नया वर्जन लॉन्च होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ये बहस चल रही होती है मार्केट के अंदर कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है अब कुछ लोग बैटरी में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि इन दो मॉडल्स में से बेस्ट जो लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है वो किसकी है इसी तरह कुछ लोग कैमरे के रिज़ल्ट के, के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि मोबाइल का जो रिज़ल्ट है कैमरे का जो रिज़ल्ट है वो किस डिवाइस का या किस फ़ोन का ज़्यादा बेहतर है तो वो उसको ऑप्ट करें और उसको बाय जाके करें इसी तरह डिफरेंट फीचर्स हो सकते हैं कुछ लोग रैम के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कुछ लोग स्टोरेज के बारे में भी कॉन्शियस होते हैं कि यार इतने पैसों में कौन सा मोबाइल ज़्यादा स्टोरेज दे रहा है प्रोवाइड कर रहा है तो इन डिफरेंट फैक्टर्स को जब आप कंबाइन करेंगे और उनको कंपेयर करेंगे तो इससे आप यूज़र्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसकी हेल्प कर रहे हैं अब आप उसका डिसीजन मेकिंग में आप उसकी हेल्प कर रहे हैं तो अल्टीमेटली जब आप उसके डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट कर रहे हैं तो ब्रांड्स आपसे प्यार करने लगेंगे वो डेफिनेटली आपको हायर करेंगे वो आपको पे करेंगे वो आपको फैसिलिटेट करेंगे वो आपको नई डिवाइस अपनी देंगे ताकि आप उनको अनबॉक्स भी करें और साथ साथ दूसरे डिवाइसिस के साथ कंपेयर भी करें और उनमें से जो विनिंग प्रोडक्ट है वो लोगों को सजेस्ट करें इसी तरह अगर मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करूं जब हम वेब होस्टिंग की बात कर रहे थे तो उसमें भी आप डिफ़रेंट वेब होस्टिंग कंपनीज़ को कंपेयर कर सकते हैं अगेन बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स कुछ लोग स्टोरेज कॉन्शियस होते हैं कुछ लोग चाहते हैं कि हमें अनलिमिटेड ब्रांडविट चाहिए कुछ लोग ये चाहते हैं कि कर्नकर माइस्क्यूल कनेक्शन कौन सी होस्टिंग ज़्यादा बेहतर प्रोवाइड करी है कुछ लोग अप टाइम के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं वो जानना चाहते हैं कि अप टाइम हंड्रेड परसेंट कौन सी वेब होस्टिंग कंपनी ऑफर कर रही है तो बहरहाल डिफरेंट फैक्टर्स की बेस पर आपने कंपेयर करना है डिफरेंट प्रोडक्ट्स को और उनमें से विनिंग प्रोडक्ट में लोगों को हेल्प करनी है कि वो चूज़ कर सके इसी तरह मैं अगर मज़ीद आपको एग्ज़ैम्पल्स दूँ मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप मजीद जाएँ यूट्यूब के पे एक्सप्लोर करें आपको नए आइडियाज़ आएँ और आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकें इन वीडियोज़ का एक मकसद ये भी है कि आपको इन बिजनेस मॉडल्स के साथ फेमिलियर किया जाए ताकि आप जस्ट स्टार्ट ले सकें जब इंसान स्टार्ट लेता है तो उसके सामने बहुत आ, बड़े बड़े हॉरजनज ओपन होते हैं बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं जब आप स्टार्ट लेंगे तो हो सकता है आप स्टार्ट में कुछ आपको फेलियर्स का सामना करना पड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़े लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे अगर आप पेशेंट रहेंगे तो अल्टीमेटली जीत इनशा तक की ही होगी कमिंग बैक टू द पॉइंट आप बहुत सारी कंपनीज मैं पाकिस्तान में एग्जाम्पल दूँ बहुत सारी कंपनीज आपको ये ऑफर करती हैं कि हम आपको नॉर्दर्न एरियाज़ का टूर करवाते हैं आप उन कंपनीज़ को कंपेयर कर सकते हैं अब इमेजिन करें कि वो जिन दो कंपनीज़ को आप कंपेयर कर रहे हैं उनका मार्केटिंग का बजट बहुत ज़्यादा है अब वो लोग आपको क्यों नहीं पे करेंगे कि भाई हमारी कंपनी को भी आप कंपेयर करो और आप उसके बारे में रिव्यू डालो वो लोग आपको फ्री टूअर्स भी ऑफर करेंगे इसी तरह अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं आप रेस्टोरेंट्स में जाके आ, उनके खानों को कंपेयर करें उनकी प्राइसिंग को कंपेयर करें उनकी जो सर्विस का मैार है उसको कंपेयर करें मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आपको न सिर्फ फ्री मील्स भी ऑफ़र करेंगे बल्कि आपको साथ साथ ये भी ऑफर करेंगे कि आप हमारे रेस्टोरेंट्स को भी कंपेयर करें आप हमारे रेस्टोरेंट्स को रिव्यू करें और इससे आपको रेवेन्यू जनरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप एक ब्रांड बन जाएंगे देखें जो जो ऑनलाइन अर्निंग की जो फील्ड है वे प्रोग्रेस कर रही है इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉलमेंट आ रही है माइक्रो माइक्रोनिश की तो आप किसी एक माइक्रो निश को पकड़े मैंने लास्ट टाइम भी आपको एग्जाम्पल दी थी आप लॉयर्स को कंपेयर करना स्टार्ट कर दें आप डॉक्टर्स को कंपेयर करना स्टार्ट कर दें आप अपने शहर में होने वाली किसी भी सर्विस को या किसी भी सर्विस से मुतलका लोगों को कंपेयर करना स्टार्ट कर दें एकदम से आपको ऑनलाइन फील्ड या किसी भी बिज़नेस में सक्सेस नहीं मिलती इसमें सबर एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो इन्वॉल्व होता है खैर अभी चलते हैं प्रैक्टिकली देखते हैं यूट्यूब को एक्सप्लोर करते हैं और उसमें देखते हैं कि लोग किस तरह की प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं और उसके ज़रिए रेवेन्यू जनरेट करें लेट्स गो अभी मैंने कीवर्ड सर्च किया सैमसंग एस ट्वेंटी वन वर्सेज़ आईफोन थर्टीन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लातादाद वीडियोस मेरे सामने आ गई हैं जिसमें लोगों ने कंपैरिजन किया हुआ है और दोनों प्रोडक्ट्स को रिव्यू भी किया हुआ है तो इस तरह के जो कम्बिनेशन है की के जिसमें वर्सेज़ आएगा वी एस दो प्रोडक्ट्स के दरमियान सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स होनी चाहिए दोनों के दरमियान वी लगा देंगे तो वो दो प्रोडक्ट्स को कंपेयर करेगा और यहाँ से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे अगेन अगर आप अमेजोन के प्रोडक्ट्स पे जाएं और उनमें से कोई एक प्रोडक्ट उठाएं वी लिखें तो गूगल एंड यूट्यूब ख़ुद ही आपको सजेशन दे देगा कि आपने आ, इस तरह के लोगों ने कंपैरिजन आपकी दी गई प्रोडक्ट के बारे में किए हुए हैं सैमसंग एस ट्वेंटी टू लेट्स पोज और वर्सेज आईफोन फोटीन अब एक प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुई है या अभी लॉन्च होनी है उसके बारे में भी आपको बहुत सारी वीडियोस कंपैरिजन वीडियोस मिलेंगे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा चैनल बना हुआ है जिस जो है गैजेट्स कंपेयर के बारे में जिसका काम ही सिर्फ गैजेट्स को कंपेयर करना है इस तरह के आइडियाज़ आप भी लॉन्च कर सकते हैं सैमसंग गलेक्सी एस ट्वेंटी टू अल्ट्रा वर्सेज आईफोन फोटीन प्रो मैक्स इस तरह की वीडियोज़ को कंपेयर करने से आप बहुत सारी चीज़ें बेच सकते हैं आप डायरेक्ट जो फ़ोन बाइंग के लिंक्स हैं एफिलिएट लिंक होंगे वो आपके वो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं आप सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं इसी तरह आप उनसे रिलेटेड जो एक्सेसरीज़ होंगी एयरबड्स हो सकते हैं चार्जर हो सकते हैं उसकी भी जो अफिलियट मार्केटिंग के लिंक्स हैं वो अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पुट कर सकते हैं इसी तरह आप आ, बेस्ट लगा के देखें कि बेस्ट फ्लाँ कैमरा कौन सा है या डी कैमरा कौन सा है तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारा कंपेरिजन मिल जाएगा कैनन कैनन एम फिफ्टी वर्सेज मैंने सिर्फ इतना सा लिखा कैनन एम फिफ्टी वर्सेज अब मुझे खुद ही YouTube ने सजेशन दे दी कि ए सिक्सटी वन हंड्रेड से भी कंपैरिजन किया जा सकता है सोनी जी वी ई टेन से भी कंपैरिजन किया जा सकता है अब मुझे दो प्रोडक्ट्स के बारे में भी पूरा इल्म होना ज़रूरी नहीं है अगर मैं सिर्फ ब्रांड का नाम लिखूँ तो कैनन वर्सेज सोनी कैमराज अगर मैं सिर्फ ये की भी यूज़ कर लूँ तो यूट्यूब मुझे बहुत सारे आ, ऐसे कंपैरिजन वीडियोस दिखा देगा जिनके थ्रू मैं आइडिया ले सकता हूँ कि मैंने अगर कंपैरिजन वीडियोस बनानी है तो उनमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है इसी तरह हम जाते हैं जी एस एम अरिना डॉट कॉम एक वेबसाइट है इंटरनेशनल जिस पर नए लॉन्च होने वाले जो मोबाइल्स हैं उनके बारे में डिटेल मौजूद होती है और उनका कंपैरिजन भी यहाँ पे किया जाता है तो अगर मैं यहाँ से कम्पेरिज़न करूँ और उनप बेस्ड में वीडियोज़ बना दूँ अब ये देखें पॉपुलर कंपैरिजन अब मुझे जी एस ख़ुद ही ऑप्शन दे रहा है कि पॉपुलर सैमसंग गलेक्सी Z Fold 3 5G और सैमसंग गलेक्सी Z Fold 4 इन दोनों को उसने कंपेयर किया हुआ है अब वो कंपैरिजन किन बेसिस पे हो सकता है यहाँ से भी आपके लर्निंग के लिए बहुत कुछ आपको मिलेगा अब इसकी रैम जो है वो 256 है 12GB रैम 256 12GB रैम इसकी प्राइस है ई पर नाइन हंड्रेड एंड ऑलमोस्ट टेन डॉलर्स और इसकी अमेजोन पे प्राइस है वन थाउजेंड एंड एट हंड्रेड डॉलर ऑलमोस्ट अब आपने किन किन चीज़ों के बेस पे कंपैरिजन करना है कि दोनों फाइव जी डिवाइस हैं लॉन्च ये हुई अगस्त ग्यारह अगस्त दो हज़ार इक्कीस में और ये दस अगस्त दो हज़ार बाईस में आ, ये स्टेट को अवेलेबलिटी इसकी हुई बॉडी डायमेंशनज ये हैं वेट का कंपैरिजन हो सकता है बिल्ड का कंपैरिजन हो सकता है सिम कौन कौन सी इसमें सपोर्टेड है उसका कंपैरिजन हो सकता है डिस्प्ले टाइप डिस्प्ले साइज डिस्प्ले की जो रेजोल्यूशन है पिक्सल्स हैं वो आप कंपेयर कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बेस पर आप कंपेरिज़न कर सकते हैं सी पी यू ऑक्टा कोर है वन इंटू टू पॉइंट एट फोर वन इंटू थ्री पॉइंट वन नाइन इसकी बेस पर आप कंपेरिजन कर सकते हैं कार्ड स्लॉट मेमोरी कार्ड सपोर्टेड है या नहीं है इंटरनल मेमोरी कितनी है इनकी बेस पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपके पास ब्लॉग के फॉर्म में मौजूद हैं आपने इनको देख के एक वीडियो बनानी है और वो इंटरेक्टिव सी वीडियो होनी चाहिए जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को कंपेयर करेंगे मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल है इसका 50 मेगापिक्सल है अब ये आपको बहुत बड़ा एक डिफरेंस नज़र आया पहला मेजर डिफरेंस है इन दो प्रोडक्ट्स के दरमियान तो इसकी बेस पर आप अपनी वीडियो का टाइटल या अपनी वीडियो का जो मेन एलिमेंट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस फोन का जो मेन कैमरा है वो ट्वेल्व मेगा है और इस फोन का फिफ्टी मेगा है सेल्फी कैमरा फोर मेगा 4 फोर मेगा साउंड डब्ल्यू लैन ब्लूटूथ फीचर्स बैटरी की बेस पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं कितनी देर में चार्ज होता है फास्ट चार्ज होता है नहीं होता वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेड है नहीं है बाकी मिसलिनियस कुछ कंपेरिजन है अच्छा अब टेस्ट भी सपोर्टेड है इसमें देखें ना परफॉर्मेंस उसकी क्या रही लाउड स्पीकर वेरी गुड है नहीं है बैटरी लाइफ कितनी एक सपोर्टेड है या नहीं है अब आप दुनिया जहाँ में मौजूद जितने भी मोबाइल फोन्स हैं उन मोबाइल फोन्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं और उस कंपैरिजन पर बेस्ड एक वीडियो बना सकते हैं जो कि यूट्यूब की वीडियो होगी अब इसमें सजेशन तो बल्कि रिकमेंडेशन तो यही है कि वो दोनों प्रोडक्ट्स दोनों मोबाइल फोन्स आपके पास होने चाहिए और आप प्रैक्टिकली उन दोनों फोन्स को कंपेयर करें और उसका कंपैरिजन जो हो वो एक्चुअल रियल कम्पेरिज़न वो अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करें तो इस तरीके से आप कंपैरिजन वीडियोस बनाएं अगेन मैं आप आइडियाज़ ऑलरेडी दे चुका हूँ मजीद आई थिंक आप यूट्यूब को एक्सप्लोर करें और अफ़िलट मार्केटिंग करें विद यूट्यूब थैंक यू